मामूजान आपने सर को बता दिया उसके अगवा के बारे में? अरे बेटा, फरवा तो वही है, मुस्तनसर के घर। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं, अगर आप उससे ना भी मिले ना तो फरवा, उस दरख्त पे तुम घोंसला देख रही हो? चुड़िया कहीं होगा, लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि किसी के घर में घोंसला नहीं बनाते। अगर उस घोंसले से एक बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसके पर भी ना निकले हो, तुम्हारी गोद में आ गिरे तो क्या मैं उसका ख्याल रखूंगी? और वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको उड़ा दूंगी। और अगर उस घर में बिल्ली भी हो तो? लेकिन हमारे भी घर में तो कोई बिल्ली नहीं है। फर्ज करो। और अगर मैं ना फर्ज करूं तो फिर तुम नहीं समझोगी। या आप मेरी बात का बदला ले रहे हैं ना? फरवा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उससे कहो कि मुझसे मिले, उसके बाद ही मैं कोई फैसला करूंगा। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, जो मैं कहूंगी ना आपको वही करना पड़ेगा। और ना मैं घोंसले से गिरा हुआ कोई चूजा हूँ और ना गोगी कोई बिल्ली है। मैं जानता हूँ तुम चूजा नहीं हो, तुम तो चील हो। चील जो अगर कोई इसकी बात नहीं मानता ना तो हमला कर देती हूँ मैं। अच्छा, हेलो, वो मैंने बात कर ली है कॉन्ट्रैक्टर से घर डिमोलिश करने की। आसमान, सब ठीक है? क्या हुआ? सब ठीक नहीं है जुनैद। मतलब मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। कैसे? तुम्हारी ख्वाहिश थी ना कि तुम शादी के बाद अपनी बीवी के साथ घूमो फिरो, है ना? वो तो एक स्टूपिड सी बैंडवैगन थी, यू नो। वेल, लेट्स जंप ऑन द बैंडवैगन। मतलब अब सब कुछ कैंसिल, हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं। हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? वेल, लेट्स गो टू द स्टार्स, जाने लगा। दिल तो चाह रहा है ना कि तुमसे बात भी ना करूं, लेकिन मजबूरी है। ओ यार, वेरी गुड, माय ऑरेंज मिल्क शेक, खुश कर दिया यार तुमने। मुझे बताओ, वो तोते की नाक वाले वो सर से तुम्हारी बात हुई है? गोगी, बहुत ही बदतमीजी की बात है ये। नहीं यार, आई एम रियली सॉरी। अगर इस वक्त तुम मेरी शक्ल देख लो तो तुम्हें 100% अंदाजा हो जाए कि मैं बहुत ज्यादा और सख्त शर्मिंदा बैठा हूँ। अच्छा, वो जो आपके मोहतरम सर हैं, आपकी उनसे बात हुई है? हाँ, कर ली। तुमसे मिलना चाहते हैं वो। वेरी फाइन, मैं तो मॉर्निंग से मेंटली तौर पे तैयार बैठा हुआ हूँ। कहती है तो मैं आ जाता हूँ। हाँ, ज्यादा तुराओ नहीं अगर। अच्छा सही है, आ जाओ। और सुनो, सर को ना सब कुछ सच से बता देना, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वो ही है जो हमारी बात पे यकीन करेंगे। बाकी सब तो ना मैडम नसीरा बन गए। मैडम नसीरा? अरे यार, मेरे स्कूल में एक टीचर थी,
तुम सब कुछ छोड़ो और गधे फौरन से आओ, फौरन से, सही है? मैं फोन रख रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। ओके, आ जा भी सर, तेरी तो चंपी करूँ ना जरा। अब फिर से शिफ्टिंग? मुमकिन ही नहीं है। और इस तरह से इनके घर में रहना? आसमा भी बहुत शर्मिंदा है। होएगी? अरे है ना, असल में उसका अंदाजा गलत निकला। उसने तो अपनी कजिन की हरकतों को देखते हुए एनालाइज किया था। अफसोस, सद अफसोस। अफसोस तो मुझे भी बहुत है। आसमा कितनी शर्मिंदा होगी। बताया कहाँ जा रही है? हाँ, ट्रिनिडाड। ट्रिनिडाड? ट्रिनिडाड क्यों? अब ये तो वो ही जाने। मैंने एक फैसला किया है। क्या? बताऊंगा, वक्त आने बताऊंगा। इंसान भी बड़ी मजाक खेज मखलूक है। वालेकुम अस्सलाम। मैं जहांगीर। आप पूरे 10 मिनट लेट हैं। बहुत रश था बाहर सर। इस वक्त रश इस इलाके में? मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा अपसेट फील कर रही थी, डिस्टर्ब हो गई थी सारी, इसलिए देर। इस मॉडल की गाड़ी की असल कीमत के ऊपर 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अभी से गड़बड़ होने लगी? मतलब बॉस घर है, कोई बैंक में बिल थोड़ी जमा कराने आए हो। आई मीन लुक एट माय वॉच, 10 मिनट ऊपर हुए। ओके, कल सुबह 9 बजे शाम। बॉस बात तो सुने, आपके कौन से बच्चे रो रहे हैं, आपने डायपर चेंज करने, 10 मिनट में क्या घिस जाना आपका? अगर बात करनी है तो कल सुबह मिलेंगे तमीज से। गुड नाइट फॉर नाउ। और तुम चुपचाप चले गए? हाँ तो और क्या करता, उधर दंगा फसाद करता मैं। कुछ तो कहते। यार क्या कहता? यही तो मसला है। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी जात पे उंगली उठाए और कहे कि तुम पसंद की शादी कर रही हो और ये वो। ओहो, गोगी सर को पता है इस बारे में? हाँ तो बाकी दुनिया का तो नहीं ना पता ना। चूहे के मुंह वाला मुलाजिम है, वो सारी दुनिया को ये बताता फिरे कि बीबी साहिबा का जो आशिक है उन्होंने सर की चंगी धुलाई की है। फायदा? ओहो, तुम रहने दो, मैं सर से खुद बात करूंगी। और तुम उनके बताए हुए टाइम पे बिल्कुल नहीं आ रहे हो, समझे तुम? पागल नालायक पांडी, अजीब पत्थर के मुंह वाला मियां तुम्हारा। नालायक, दोनों ही नालायक। बेड़ा अगर दोनों का नालायक, नालायक हो तुम दोनों ही नालायक हो। आपने भगा दिया उसे और बात भी नहीं की उससे, क्यों? मैं बता रही हूं आप सही नहीं कर रहे हैं। तुम ठीक कर रही हो? हाँ,
तुम अपने पेरेंट्स से कब से नाराज हो? क्या नाराज? क्यों? मैं कोई वही नाराज नहीं हूं। फरवा, तुम लोगों को मिलना चाहिए, तुम्हें, सईद साहब और बेगम सईद को। आप ये छोड़ दें कि मुझे किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं मिलना चाहिए, एंड माइंड योर ओन बिजनेस। जानती हो, माइंडिंग वन्स ओन बिजनेस इज अ फुल टाइम जॉब, और मैं तो पहले ही एक जॉब कर रहा हूं। आप मजाक समझ रहे हैं? अरे तौबा, इतना भयानक मजाक? आप इसलिए हैरान हो रहे हैं ना कि मेरे माँ पापा ने आसमा के इतने गंदे इल्जाम पे यकीन कैसे कर लिया? मैं ही क्या, जो भी इस सूरत हाल को देखेगा वो यकीन नहीं करेगा। जी, क्योंकि आपको मेरे साथ रहते हुए ना थोड़ा सा अरसा ही हुआ है। मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ ना बचपन से रहती हूँ, अच्छी तरह से जानते हैं मुझे वो कैसी हूँ मैं। मैं ना अपनी जिद के आगे कुछ बर्दाश्त नहीं करती, सुन लें ये बात आप। और अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ होता है तो मैं ना मैं। मुझे तो डर लग रहा है। डरना भी चाहिए आपको मुझसे, बहुत डरना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं आपको, गोगी टाइम पे बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपको उससे फिर भी मिलना पड़ेगा, समझ आई? अच्छी तरह से समझ लें, आप ही के लिए अच्छा है, सुन लें। जी जी, आप भिजवा दीजिए, मैं ट्रेन खुद ही कर लूंगी। जी, ड्राइवर भी चाहिए, दो फैमिलीज हैं। जी जी जी, मैं इंतजार करूंगी। जी, कैसी हैं ममानी जान? फरवा से बात हुई? इतने बड़े वाक्य के बाद अब अचानक? इस दुनिया में बहुत कुछ होता है ममानी जान, मैंने खुद देखा है। और फरवा ने सर के साथ शादी करके जो हिमाकत की थी, उसके बाद इससे तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आपको मेरी इंटेंशंस पे शक हो रहा है, देन आई एम सॉरी। मैं तो आपको ये बताने आई थी कि मैं और जुनेद वेकेशन पे जा रहे हैं आज ही। और वो घर? वापसी पर। तुम्हारे सास ससुर? वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, और वैसे भी मैं सिर्फ एक मंथ के लिए तो जा रही हूँ। क्यों? जब मैंने कहा है कि सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनेगा और शाम को किचन में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो आप क्यों नहीं सुन रहे ये बात? मगर वो कोई सवाल नहीं सुनूंगी मैं। भाई भाई भाई, क्या हो गया? सर, वो बीबी जी कह रही है कि रात को खाना ताजा नहीं पका करेगा। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही होगा, ये कोई तरीका नहीं है कि हर वक्त किचन में खड़बड़ खड़बड़ होती रहे। ठीक है यूनुस, आप जाएं, और जैसा बीबी कह रही है वैसा ही होगा। ठीक है सर। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? आप चलो नाश्ता कर लो। मुझे कोई नाश्ता वास्ता नहीं करना है, एक तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। सुरैया, भला कोई बरसों आजमाने के बाद पूरी होने वाली दुआ को इन मामूली बातों के पीछे ठुकराता है। यार क्या बेइज्जती हुई है तेरी, इंग्लिश बेइज्जती हुई है यार। गोगी, तेरा ना रिकॉर्ड लगाने का आज बहुत दिल चाह रहा है। मैं ही पागल हूं, अच्छी भली उस दिन आई थी, खामखा मैंने मना कर दिया यार।
मेरे तो दिमाग में तेरा प्लान भी सवार था, तेरा प्लान भी। मेरा? अच्छा वो छोड़, ये बता तूने वो जाके क्या कहा था कि मैं 10 मिनट में घिस तो नहीं गया? हाँ तो और मैं क्या कहता, अब कुछ तो बोलना था ना, तो बोंगी मार दी। मैंने कहा 10 मिनट पहले आता तो कौन सा कश्मीर फतह कर लेना था। कश्मीर? वो भी 10 मिनट में कश्मीर फतह। तू दोस्तों के रूप में ना काला नाग है। अच्छा वो छोड़ दे। ये बता कि अब क्या करना है। देख तू 9 बजे तो गया नहीं, 10 मिनट लेट था। अच्छा अब बता क्या करना। मैं तो जा रहा था, फरवा ने मुझे रोका था यार। तोते की नाक वाला जो है ना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का बाबा, तो देखी फरवा उसके नाक में दम कर करके कि चीती है, शहजादी है, पीच है। अच्छा देख एक बात बताऊं, तेरा ये प्लान भी फेल होगा, तुझे खुद ही जाना पड़ेगा, वो भी उसी के तरीके पे और उसी के बताए हुए टाइम पे। आसमा घर नहीं बनवा रही, एक माह के लिए बाहर जा रही। माशाल्लाह इस कदर समझदार लड़की है आसमा, उसने आपकी नागवारी महसूस कर ली है बेगम, और बजाय इसके कि वो अपनी बात पे अड़ती या ढिठाई इख्तियार करती, किस जिम्मेदारी से माजरत कर ली है और अपने सारे प्लान बदल लिए ताकि वो इस मंजर से हट जाए। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन फरवा उसका तो दिमाग खराब है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, पढ़ूंगी नहीं शादी करूंगी, अब शादी की है तो रहना नहीं है। तो रह तो रही है कब तक? तुम देख लेना बेगम, यहां भी वो हमें शर्मिंदा कराएगी। बातें बार बार दोहराने से सच हो जाती हैं, प्लीज ये बात बार बार मत दोहराइए। तो क्या करूं, चक्कर लगाता रहूं, अब तक नाराज है वो। ये भी अजीब मामला है, और वो सर्टिफिकेट निकल आएगी ये बिल्ली भी पहले से, लेकिन मान लीजिए बेगम ये बिल्ली भी फरवा ही ने थैले में बंद की होगी। गोगी ना बहुत खतरनाक आदमी है, आप हल्का ना ले इसे। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे? भूख नहीं। भूख नहीं है या बासी खाना नहीं खाते? मैंने ना गोगी को पेपर्स बनवाने का कह दिया। फरवा मैं तुम्हारी किताबें मंगवा लेता हूँ घर से, कम से कम नॉवल तो पूरा कर लो। क्या है सर, आपको एक बात समझ में नहीं आती? आराम से बात करो फरमा। नहीं करूंगी आराम से बात। चलो अब जाओ सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। बात सुने आप मेरी, गोगी जो है ना बहुत बड़ा भाई है, आपके सामने खड़े नहीं रह सकते ज्यादा देर। मैं उसके सामने क्यों आऊंगा? अगर आप नहीं आएंगे ना तो वो आपके रास्ते में आ जाएगा। वो मेरे रास्ते में पहले ही आ चुका है। ओहो सर, आप मेरी बात कान खोल के सुन लें, मुझे ना गोगी बहुत पसंद है, वो मेरे टाइप का इंसान है, सीधा सच्चा, आप लोगों जैसा नहीं है, आप लोगों जैसा आजमा, आप भी जैसा जुने, जैसा सड़ावा, जिनको तो इंसान कह ही नहीं सकते। मैं ना गोगी को पसंद करती हूँ और सिर्फ उसी के साथ खुश रह सकती हूँ, और आप हमारे दरमियान से ना जरा हट जाएं। मोहब्बत एक ऐसी आग है जो तभी गुलजार हो सकती है जब हुब और महबूब
दोनों तरफ बराबर लगी हुई हो, और अगर मोहब्बत में जरा बराबर खोट हो तो सब जल जाता है। ये आप ना मेरे सामने ज्यादा डायलॉग्स ना मारे। जिस आग में तुम खड़ी हो वो तुम पे कभी गुलजार नहीं हो सकती, कभी भी। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो ऐसे हुआ कि हम आसमा के जाने के बाद आपको कह दें कि आप भी जाएं। इतने नहीं, देखिए मेरे इस फैसले का आसमा के आने जाने से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो आपसे सीधी सीधी बात कह रहा हूँ। कैसी बात? देखिए मैं और मेरी बीवी अब उम्र के उस हिस्से में हैं जब इंसान एक जगह टिक के बैठना चाहता है। आसमा में बहुत ज्यादा एनर्जी है, उसे मैं एक जगह महदूद करके रखना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? हम दोनों अब जुनैद के साथ नहीं रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने सोचा है कि मैं ये वाली कोठी जुनैद को गिफ्ट कर दूँ और हम और तुम अपने सोसाइटी वाले घर में शिफ्ट हो जाए। जुनैद मेरी इकलौती औलाद है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये फैसला मैंने इन दोनों को देख के किया है। फरवा भी तो इनकी एक इकलौती औलाद है, वो कितनी दूर चली गई इनसे। मैं जुनैद को खोना नहीं चाहता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा मतलब है ये भी तो आप ही का घर है, वो आप लोग यहीं रहिए। वो आपकी बहुत मेहरबानी बेगम साहब, लेकिन मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता। भाई साहब ये तो फिर आपने बिल्कुल गैरों वाली बात की है ना। देखिए गैरों वाली बात करता तो आपसे शेयर ही क्यों करता है सब कुछ। चले ठंडा पीजिए, चाय भी आ जाएगी। तुझको क्या परवाह, ओ परवाह, तुझको क्या परवाह। पलकों से गिरती है, नींदों में समाती है, ख्वाब छीन लेती है, आस तो जाती है। सुनो अब ना, तुम्हें भाई लोग बनना पड़ेगा, तुम्हें सर को डराना पड़ेगा, समझे? यार आई एम अ डिसेंट मैन, तौबा करो यार। गौर से सुनो, अब सारे प्लान भी गए बाहर में, अब तुम सर से मिलोगे और उन्हें खौफनाक खौफनाक धमकियां दोगे। क्यों? पर ऐसा मैं क्यों करूंगा? क्योंकि मैं कह रही हूं। अच्छा यार चलो ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, हो जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ सही है। ओ सुनो सुनो सर, ना कंचन भी ले आना, एक हाथ फायर भी कर देना, डर जाएंगे, रो पड़ता है ना। सही है, ओके बाय। हेलो मामा कैसी हैं? ठीक है।
तुम ठीक हो? मुझे क्या है? ठीक ही हूँ। नहीं, बहुत दिन से आई नहीं थी ना, तो वैसे बेकसूर निकाला आपने तन्वी को, बहुत बुरा किया। अब छोड़ो उसको, पुरानी बात हो गई है, अब हो गई गलती ना। आप पास्ता वगैरह जा रहे हैं? फिर भाई साहब भी। अच्छा, मुस्तंसर कहाँ है? तैयार हो रहे। ओ, कहीं जा रहे हैं बाहर? नहीं, कोई आदमी आ रहा है, मीटिंग है उनकी, बहुत जरूरी। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। वो तुम्हारी मामा भी आना चाह रहे हैं, उन्हें बताता हूँ। अच्छा बेटा, चलता हूँ। तुझे यकीन है ना कि तू ठीक कर रहा है? क्या हो गया यार? ठीक है, जो भी कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। अव्वल तो मुझे फरवा की बात मान लेनी चाहिए थी, तूने खामखा ये प्लान बनाया था सारा, और वो भी फ्लॉप वाला। अच्छा, मेरा प्लान फ्लॉप था? प्लान ए का भी तो जिक्र करो, वो भी फ्लॉप था। बस ठीक है ना यार, जलील ही करने पे आ गया तू तो। लेकिन तू देखिए, अब जो गोगी करेगा सारा जमाना देखेगा होते हुए। भाई जरा होली, हाँ देखो, ये कमजोर ना समझना उन्हें। वैसे मैंने सुना है कि ये उस्ताद ना बड़े खबीस होते हैं। ये कोई खबीस नहीं होते, इतने खबीस होते तो मुझे मैट्रिक करवाते सबसे पहले। इस दुनिया में अगर कोई खबीस है तो तेरा भाई गोगी। मुझसे खबीस दुनिया में कोई नहीं, आने दे इनको, जरा देखता हूँ। यार ठीक है ठीक है, लेकिन देख जो भी करेगा ना वो सोच समझ के करना, बात आगे ना बढ़ जाए। बेटा बढ़ती है तो फिर बढ़ने दे। अच्छा यार, फिर मिलेंगे। से बुढ़ा गोगी और पिस्तौल, कमाल का कॉम्बो। एक बात मैं आपको बता दूं, हमने ना सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप... तुम एक ऐसे शख्स की शरीक हयात बन जाओ जो बिल्कुल तुम जैसा हो, और आइंदा जिंदगी में तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स ना हो, राइट? हाँ, ये तो पहले मैं समझ चुका था, अब किसे समझा रही हो ये? आपको क्या पता कितनी आंखें हैं मेरे ऊपर। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, वो गोगी को आना था कागजात लेकर आज? जी गोगी ना आने वाले, और एक बात सुन लें आप, चुपचाप आप साइन कर दीजिएगा, वरना ना। क्या वरना क्या फरवा?
वरना अंजाम की जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। और अगर मैं साइन ना करूं तो क्या होगा मेरा अंजाम? मत करें, किसको क्या परवाह है साइन की। वैसे भी ना गोगी हर तरह के कागजात बना सकता है। जैसे एक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट। वो भी गोगी नहीं बनाया था। क्या करूं मैं, अम्मा पापा मेरी जान ही नहीं छोड़ते थे, जीने ही नहीं देते थे मुझे चैन से। बहुत दुख की बात है, इस सर्टिफिकेट की वजह से तनवीर दर बदर हुआ। जी नहीं, आसमा की वजह से, मिसेस की दवाई की वजह से। और आप ना शराफत से साइन कर दीजिएगा, बता रही हूं मैं। चाय की प्याली में तूफान। ये किसके लिए लाए हो? बहुत जी, सीधी सीधी बात करता हूं मैं, और एक बात करता हूं, आपके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं, एक ही रास्ता है। मेरा वीर शाबाश, या इस पे साइन कर या फिर मर जा। और मैं बंदा बड़ा पैड़ा हूं जहांगीर, इसे नीचे रख दो, चल जाएगी। यार कैसे चल जाए? और मैं डरता नहीं हूं, ना इसके चलने से डरता हूं, ना किसी के चलने भागने से डरता हूं, और मैं किसी का प्यो से भी नहीं डरता। देखो गोगी, तुम चाय की प्याली में तूफान उठा रहे हो। बात सीधी है, तुमने कह दी, अब मुझे जवाब देने दो। सर जी, मियां जी, आपके जवाब का मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। आप बदल चुके हुए हैं, टिले मिले पड़ गए हैं सर यहां पे, लेकिन मेरी जान प्यारे, मैं यहां से साइन आज करवा के उठूंगा। गोगी ना बहुत खतरनाक आदमी है, आप हल्का ना ले इसे। मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूं। सुने, हमारी मदद से वही है जो हम कह रहे हैं, वो आप कर लें, बाकी हमें पता है हमारा क्या काम है। मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? ओ यार, क्या मुमकिन मुमकिन लगाई हुई है यार। बॉस, हर काम मुमकिन होता है, बंदे में थोड़ी जान होनी चाहिए, गुरु पास होना चाहिए बंदे का। मैं तुम लोगों का हमदर्द हूं, मेरी बात तो सुन लो। सिर्फ मेरी बात पे अमल करके तुम लोगों की शादी बाइज्जत तरीके से हो सकती है। मानना न मानना तुम्हारे इख्तियार में। बोले Thank you.
सड़क तुम्हारी माँ के जहेज में आई थी, चलो निकलो। नजर नहीं आ रहा? तुम्हें नजर नहीं आता? अच्छा चल हटा हटा बाइक हटा। अजीब बात है, चलानी नहीं आती तो मेरी गाड़ी के पीछे क्यों आए? आ जाते हैं पता नहीं कहां कहां से। एक दो रोज में मैं तुम्हारी तरफ एक ट्यूटर भेजूंगा, पढ़ाने के लिए नहीं, तमीज सिखाने के लिए। तुम इस काबिल बन सको कि फरवा के खानदान में उठ बैठ सको। अच्छी ऑफर है, कर ले। तुम्हारी तरह होती ना तो कब की तबाह बर्बाद हो चुकी होती।